शुभारंभ भोजपुर जिले के ऐतिहासिक मेलाव के सूर्य मंदिर के प्रांगण में हम सब पूरी आध्यात्मिक चेतना के साथ सात्विक चेतना के साथ नवरात्र के महीने में प्रारंभ किए हैं। एक बार आप सभी ग्रामवासियों का, बुद्ध आत्माओं का, माता बहनों का, नौजवानों का पतंजलि योग पीठ हरिद्वार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। अब हम लोग भस्त्र का प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पाए ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं, आंखें बंद हो, मन शांत हो। अब मैं भस्त्र का प्राणायाम की विधि मैं बता रहा हूं। और यह भस्त्र का प्राणायाम की विधि आप बोलिए सर, आप सभी ध्यानात्मक रूप में बैठे रहे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्रों के शुभारंभ के साथ धीरे धीरे 5 सेकंड तक सांसों को भरना है। धीरे धीरे 5 सेकंड तक पुनः सांसों को बाहर करने का प्रयास। 5 सेकंड तक धीरे धीरे जब सांस भरेंगे तो सांस इतना धीरे धीरे लेना है कि नाक के पास यदि रुई का भाव भी रख दे तो रुई हिले नहीं। बहुत धीरे धीरे प्राणवायु, आवाज नहीं, एकदम साउंडलेस प्रैक्टिस, ध्वनि रहित अभ्यास। लंबा गहरा सांस, आपका ध्यान प्राणवायु पर टिक रहा है। सांस कैसे हम अंदर ले रहे हैं, सांस कैसे बाहर करते हैं, जब ध्यान आपका सांसों पर टिकने लगेगा तो आप प्राणवायु को देख सकते हैं कैसे हवा अंदर जा रही, कैसे हवा बाहर निकल रहे हैं। जिस दिन हम माँ के कोख से हम सभी जन्म लिए, जैसे ही हम सब का अवतरण धरती पर हुआ, सांस भरते रहिएगा तो हम रोते हैं और घर वाले हंसते हैं, कारण कि उस दिन प्राणायाम की शुरुआत करते हैं अपने जीवन में। हमारा जीवन की शुरुआत ही प्राणायाम के द्वारा हुआ, भस्त्र का प्राणायाम के द्वारा ही हुआ। जब पहली बार सांस लेते हैं तो जीवन का मिलना और लगातार जीवन को जीते जीते जब एक दिन प्राणवायु रुक जाता है, प्राणायाम होना बंद हो जाता है तो हमारे जीवन का अंत हो जाता है। यानी जीवन और मृत्यु एक साथ, जब सांस को लेते हैं तो जीवन, सांसों को बाहर करते हैं मृत्यु। जीवन और मृत्यु से बराबर का प्रेम रखते हुए जब नियमित हम भस्त्र का प्राणायाम का अभ्यास 5 मिनट करते हैं, ब्लड प्योरीफाइड होते हुए आपको कभी सांस संबंधी बीमारी नहीं होगी। दमा का बीमारी, टीबी का बीमारी, सफेद दाग हो, सोरायसिस हो, चर्म रोग हो, एक्जिमा हो, लंबा गहरा सांस भरेंगे, कभी जीवन में हार्ट अटैक नहीं होगा, हार्ट ब्लॉकेज नहीं होगा, कभी ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, कभी लकवा नहीं लगेगा, कभी नस नाड़ियों की समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। आप प्राणवायु को अंदर बाहर करते समय गायत्री मंत्रों का मानसिक जप कर सकते हैं। अजपा जप, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लंबा गहरा सांस, मां दीजिए
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। माँ गायत्री को एक बार जपते हैं, हे भगवान सूर्य, हे भगवान, जिस भगवान की कोई आकृति नहीं है उस दिव्य स्वरूप का स्मरण करते हैं, पेड़ पौधे में, नदी नालों में, सूरज चांद सितारों में, लंबा गहरा सांस। एक